दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप बहुत आसान तरीके से एलईडी ट्यूबलाइट को रिपेयर करना सीख सकते हैं या फिर एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीख सकते हैं। इसका रिपेयरिंग कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर आता है, जीरो कॉस्ट बिल्कुल इसकी रिपेयरिंग पे आएगा और बहुत आसान तरीके से आप इसको रिपेयर करना सीख सकते हैं। बस एक चीज मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, अगर ये काम आप अपने घर पर कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा आपको बच के काम करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कोई बात नहीं, बट अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करना है इस वीडियो को देखकर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ट्यूबलाइट के अंदर के सर्किट को निकालेंगे। ये बता दूँ ये बिल्कुल डेड है। कुछ कंडीशन में एलईडी ट्यूबलाइट में जो प्रॉब्लम आती है वो ब्लिंकिंग की आती है, बट ये ब्लिंकिंग नहीं है, बिल्कुल डेड है और हाई वोल्टेज से बिल्कुल खराब हुई है। अचानक से वोल्टेज बड़ी होगी तो ये खराब होगी। तो यहाँ पर इसके सर्किट को निकालने के लिए इस तरफ और दूसरी तरफ कैप मिलती है, तो किसी भी तरफ की कैप को खोलिए तो वहां पर जिस तरफ आपको वायर्स लगे मिलते हैं उन वायर्स को आपने इस तरीके से खींच के यहां पर डिस्कनेक्ट करना है। देखिए प्लस माइनस वैसे लिखा भी होता है, यहां पर प्लस माइनस लिखा भी होगा। चलिए अभी आपको बताऊंगा। और हम इस स्ट्रिप को नहीं निकालेंगे, सबसे पहले सर्किट को निकालेंगे। इसमें स्ट्रिप या सर्किट किसी में से भी फॉल्ट हो सकता है, बट हम सबसे पहले सर्किट या फिर स्ट्रिप में किसी भी एक चीज को देख लेंगे, क्योंकि सर्किट हाई वोल्टेज से खराब हुआ है तो सर्किट में ही फॉल्ट सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इसकी रबर की ग्रिप थी, इसको हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे ताकि अंदर फंस ना जाए। और ये देखिए इस तरीके से सर्किट हमारा बाहर निकल जाता है। यहां से खींचना है तो ये इसका सर्किट रहा और ये इसकी स्ट्रिप होती पूरी, आप बाहर निकाल सकते हैं, हर एक बल्ब को देख सकते हैं। जो बल्ब में हल्का सा काला डॉट रहेगा समझ लीजिए वो हमारा बल्ब खराब है। बट यहां पर हाँ, इसके सर्किट को खोलने से पहले आप इसकी स्ट्रिप के पास में यहाँ पर वोल्टेज चेक करके देख सकते हैं। चूंकि हाई वोल्टेज खराब है तो समझ लीजिए वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें हाई वोल्टेज से जब भी प्रॉब्लम आती है वो इस सेक्शन से बनती है, वो आपको डिटेल से बताता हूँ। चलिए कैमरा को जूम कर लिया है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी सही लग रही होगी। नहीं लग रही तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वॉइस क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रहा है कल से या फिर पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रहा है तो कमेंट करके बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम वॉइस से रिलेटेड होती है अभी भी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं माइक को अपग्रेड या अपग्रेड कर दूंगा या अपडेट कर दूंगा, जो भी है। ये इसका सर्किट है और एलईडी बल्ब का भी सर्किट बिल्कुल इसी की तरह होता है। हाँ, शेप थोड़ी अलग होती है, बाकी कंपोनेंट्स और इसका जो डिज़ाइन तो बिल्कुल सेम होता है। अब जब भी हाई वोल्टेज से प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं उसके पास में के कंपोनेंट्स देख लेने हैं, उनमें कंपोनेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। तो होता कि अक्सर यहाँ पर ये तीन कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम मिल जाती है। अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स डैमेज लग रहे होंगे। अगर आप आपको इसके नाम पता है तो कमेंट करके बताना, इस ग्रीन कलर के कंपोनेंट को क्या कहते हैं और ये ब्लू कलर के कंपोनेंट को क्या कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कितने लोगों ने हमारी वीडियो पहले देखी है और सीखी है और कंपोनेंट के नाम पता है, कमेंट करके बताना। अगर आपको कंपोनेंट का नॉलेज नहीं है तो एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर लूंगा, उसको देख के आप कंपोनेंट की बेसिक नॉलेज सीख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर आपको हल्का सा फटा हुआ लग रहा होगा और ये दोनों में से ये वाला इस तरीके से फटा हुआ लग रहा होगा और ये भी कहीं ना कहीं फटा हुआ। हाँ, ये देखिए इसके नीचे ये फटा हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्लियर इन कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। हर सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज बहुत टाइप के होते हैं, ग्लास टाइप और रजिस्टर टाइप। तो ये रजिस्टर टाइप फ्यूज है, यहाँ पर ये रजिस्टर्स की तरह दिखता है या रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं आप उसकी तरह दिखता है, बट ये फ्यूज ही होता है। इसमें ग्लास टाइप फ्यूज बड़ा होता नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों यहाँ पर फ्यूज है, फेज और न्यूट्रल दोनों में फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है। और इसके जस्ट बाद में आपको एक कंपोनेंट दिख रहा होगा जो फटा हुआ है, ये होता है MOV। ये एक प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हाई वोल्टेज से हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ये अक्सर आपको एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जर्स और कई सारे ऐसे डिवाइस में लगा हुआ मिलेगा जो हमारे सर्किट के लिए बहुत उपयोगी है। इस कंपोनेंट के द्वारा हाई वोल्टेज, जब ये कंपोनेंट इस सर्किट में किसी भी सर्किट में होता है तो वहां पर अगर हाई वोल्टेज उस सर्किट को मिलती है लगभग 350 से ऊपर, तो ये कंपोनेंट उस वोल्टेज को जाने नहीं देता आगे को, वहीं पर रोक देता है। रेक्टिफायर के पहले लगा रहता है, पैरेलल पे होता है। इस कंपोनेंट की एक लेग हमारी फेज पे होती है, दूसरी न्यूट्रल पे होती है। तो ये कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसे ऐसे चेक करेंगे तो ये कंपोनेंट कोई भी वैल्यू नहीं देता है, बट ये अगर खराब हो जाता है तो या तो ये शॉर्टिंग देगा या तो कुछ वैल्यू देने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है,
जब हाई वोल्टेज इसके पास से गुजरती है तो ये कंपोनेंट बिल्कुल फट जाता है, खराब हो जाता है। खराब होने के बाद ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है। जैसे कंपोनेंट शॉर्ट होता है, ये फेज न्यूट्रल को जैसे शॉर्ट करता है, उससे पहले जो रजिस्टर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो रजिस्टर ओपन होने से हमारे ये जो हमारे घर की एमसीबी वगैरह है वो ट्रिप होने से बच जाती है या वहाँ फ्यूज होने से बच जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर रजिस्टर नहीं होते और सिर्फ एमओबी ही होता तो क्या होता, तो हमारे घर की एमसीबी ट्रिप होती है। काफ़ी कंडीशन में यहाँ पर फ्यूज जलते नहीं है, घर की एमसीबी भी ट्रिप हो जाती है। अगर कम एम्पियर की होती है तो लगभग 6 एम्पियर की अगर हो तो एमसीबी ट्रिप होने लगती है उस ट्यूबलाइट को ऑन करके। तो यहाँ पर ये तीन कंपोनेंट्स का ही सबसे बड़ा खेल है। अगर यहाँ पर इन तीन कंपोनेंट्स को मैं निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट इस रेक्टिफायर पे, छोटा सा एक ब्रिज रेक्टिफायर है, डायोड ब्रिज भी कहते हैं इसे, डीबी, तो इस रेक्टिफायर में डायरेक्ट हम फेज न्यूट्रल दे रहे हैं तो यकीन मानिए यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। अगर हम इधर पे कोई कंपोनेंट नहीं भी लगाते तो भी काम करें, इसलिए हमने आपको बोला जीरो कॉस्ट। बट यहाँ पर काम ऐसे तो चल जाएगा लेकिन आपको 3 या 4 रुपए खर्च करके यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स लेने हैं। चलिए मैं उनको पहले निकाल के आपको दिखाता हूँ। चलिए ये रहे वो तीन कंपोनेंट आपको दोबारा से यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। दो यहाँ पर रजिस्टर, एक यहाँ पर एमओवी या जेडओवी। एक बार यहाँ से ब्रेक हुई है, चलिए इसको मैं अभी सोल्डिंग करूंगा। पहले इस कंपोनेंट को आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, इस कंपोनेंट की सही और खराब की वैल्यू क्या होती है। तो फाइनली ये कंपोनेंट हमारे यहाँ से डीसोल्डरिंग हो चुका है और इस फ्यूज को भी हम यहाँ से डीसोल्डरिंग करके निकालेंगे बाहर, और इनके बिना भी हमारा सर्किट चल सकता है। बट यहां पर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, चलेगा बट प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। फ्यूज और एमओवी हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है, हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है भाई, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए चेक करके आपको दिखाता हूं। मल्टीमीटर को सबसे पहले आप डायोड या कंटिन्यूटी की रेंज पे रखेंगे। अब यहां पर ये तीन कंपोनेंट हमने उससे निकाले हैं तो इनकी वैल्यू आपको दिखाता हूं। ये खराब है तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ये खराब है कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। रजिस्टर खराब होने पर कोई भी वैल्यू नहीं आती है और एमओवी खराब होने पर वैल्यू आती है। इसमें उल्टा होता है, जैसे एमओवी खराब हो गया या तो शॉर्ट होगा या तो कुछ वैल्यू देगा। ये देखिए जैसे तरीके से समझ लीजिए, ये खराब होगा तो वैल्यू देगा और ये खराब होंगे कोई वैल्यू नहीं देंगे। अब यहां पर इन तीनों को हटा के बिल्कुल सही वाले चेक करवाता हूं। जैसे सही वाले हैं तो इनकी जो वैल्यू है यहां पर आ जाएगी, जितने भी ओम्स या फिर एक सेकंड इसको मल्टीमीटर को है ना बिल्कुल, हाँ अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो मल्टीमीटर को 0-0 पे रखना पड़ता है। मल्टीमीटर काफी दिनों से यूज नहीं कर पा रहा था मैं, बरसात में ऐसे प्रॉब्लम करता मल्टीमीटर। चलिए 0-0, अब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो 10 अपनी 10 ओम्स दिखाएगा। ये देखिए क्योंकि ये 10 ओम्स का रजिस्टर है और फ्यूजिबल रजिस्टर है, नॉर्मल नहीं फ्यूजिबल रजिस्टर है, इसमें नाइक्रोम की वायर होती है। और एमओवी कोई भी वैल्यू नहीं देगा यहां पर, देखिए सही एमओवी कोई भी वैल्यू नहीं देता और खराब एमओवी कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। ये देखिए, और ये एमओवी आपका एसी डीसी दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। आप डीसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एसी डीसी में ये पैरेलल पे लगता है, सीरीज में नहीं लगता। जैसे कि ये दोनों सीरीज पे लगते हैं तो सीरीज में ये नहीं लगता, ये पैरेलल पे लगता है। फेज न्यूट्रल डायरेक्ट दोनों पे लगेगा, प्लस माइनस में ही लगेगा, ठीक है। और इसके साथ में फ्यूज का लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए जैसे हमने इसको डिस्कनेक्ट करा था या रिमूव करा था उसको हमने फिर से इस तरीके से लगा लेना है जैसे हमने निकाला था। चलिए मैं फटाफट से इसको लगा लेता हूँ और जहां से जिस तरीके से निकला है वैसे लगाना है। देखिए ये देखिए, यहां से एमओवी और यहां से दोनों से फ्यूज। चलिए, और हाँ उससे पहले आपको इसको चला के जरूर दिखाता हूं कि हाँ चल रहा है कि नहीं, कंफर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ बिना कंपोनेंट के भी इसे हम चला सकते हैं। एक वायर यहां से टूटी है उसको हम जोड़ लेते हैं ताकि आपको लगे हाँ वाकई में बिना कंपोनेंट्स के भी ये चल सकता है। स्ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एलईडी स्ट्रिप भी अभी हमने चेक नहीं करी, चलिए कर ही लेते हैं। ये रही स्ट्रिप और इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस में जोड़ लेते हैं। चलिए अब सेट कर लिए इसे और नहीं इधर उधर
हिल रहा था। माइनस यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। अब इसको हम चेक करते हैं, ये हमारी सीरीज की वायर है और इसको हम चेक करते हैं, ऐसे करके नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? हम जब रेक्टिफायर पे डायरेक्ट इधर पे वोल्टेज देंगे रेक्टिफायर के दोनों सिरों पे, कुछ इस तरीके से, तो ये चलेगा 101%। देखिए इस तरीके से, एक सेकंड, हिल रहा है ना काफी, क्योंकि यहाँ पर भाई मुझे भी डर लगता है लाइट से, क्योंकि लाइट है ही कुछ ऐसी चीज जो किसी को भी नहीं छोड़ती, याद रखना। लाइट के साथ कभी भी मजाक नहीं करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है। तो इस तरीके से जल जाती है, बट यहां पर सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो आपने इस जगह पे वही फ्यूज और एमओवी को जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ लेते फटाफट से जैसे निकला था। तो दोस्तों यहां पर मैंने कंपोनेंट्स को लगा लिया है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने निकाला था, देखिए। और एमओवी की वैल्यू जरूर आपको बताना चाहूंगा, ये जो एमओवी है जो इसमें लगा था पहले, उसकी वैल्यू आपको बता देता हूं। इसकी वैल्यू 621 के है, 621 के 07D, अगर पॉसिबल होगा तो ऊपर लिख दूंगा मैं, 621 के और 07D, जो 07D मीन्स इसका जो डिस्क गोल्ड डिस्क होती है ना उसका साइज होता है 07mm का, और इसकी वैल्यू 621 के, जो इसमें पहले लगा हुआ था। इसकी जगह पे हम यहां पर 511K का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 511K। अगर आपको दिख रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बताना हाँ दिख रहा है करके। 511K इधर पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो, ये देखिए 511K, ठीक है। और 07D इसका वो है डिस्क साइज, चूंकि ये गोल्ड डिस्क के अंदर होती है मेटल ऑक्साइड की, तो उसका साइज यहां पर लिखा मेंशन किया गया है। चलिए अब आपको चेक करके दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम पैक करेंगे, किस तरीके से पैक करना है वो भी आपको मैं दिखाता चलूंगा। ये देखिए फाइनली ये चल पड़ी, कोई भी दिक्कत अब नहीं है, यानी कि हमने लगभग 200 से 250 रुपया बचा लिया है, क्योंकि ये ट्यूबलाइट का जो कीमत है अपने इधर उतना ही है, ठीक है। अब चलिए पैक करना सिखाता हूं आपको। इसको पैक करने के लिए सबसे पहले इसको हमने डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा यहां से, तो फाइनली डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब यहां पर हमें देखिए ये जो मेन वायर है वो हमें वहां से डालनी है, जैसे हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही। देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, या फिर आप इस जगह से एक वायर डाल लीजिए खींचने के लिए, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको डाल लीजिए और थोड़ा सा इसको नीचे रखकर इस तरीके से रख कर लीजिए, और ये वायर इधर पे पहुंच जाएगी और चिमटी से खींच लीजिए। तो यहाँ पर वायर पहुंच चुकी है, अब इस चिमटी से हम इस वायर को ऊपर खींच लेंगे। तो कई तरीके हैं, जैसा आपको सही लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए वायर निकल चुकी है और जो रबर इस पे से निकली थी उसको इस तरीके से लगा के बस इसको फिक्स कर लेना है, बहुत आसान काम है। देखिए कोई मशक्कत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, ये हर कोई कर सकता है, बट जिनको इलेक्ट्रिक का नॉलेज है उनके लिए ये सही है। बाकी इसके जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होने वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक पॉइंट पर आपको प्लस लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, एक पॉइंट पर माइनस, तो ऊपर का माइनस है ये वाला प्लस का है, तो कनेक्शन इस तरीके से हमारे इसमें हो जाएंगे। ये प्लस के कनेक्शन हो गए, और ये माइनस के कनेक्शन हो गए इजी तरीके से। इसके बाद इसको इस तरीके से दबा के वायर अंदर कर लीजिएगा। और एक कैप इस तरीके से लगा लेनी है, इधर पे लॉक हो जाएगी, और साथ ही इसको मैं टेस्ट भी कर लेता हूं एक सेकंड।
कुछ इस तरीके से। सीरीज बल्ब है, इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।